तिरंगा लेकर यमुना के पिलर पर चढ़े मांडा के रजनीकांत बिंद को आखिरकार बुधवार को काफी मशक्कत के बाद उतार लिया गया। उसका कहना था कि विक्रम लैंडर से इसरो के संपर्क की दुआ करने के लिए वह पुल पर चढ़ा था। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की जाएगी। उसे उतारने के लिए पुलिस ने वाराणसी से क्रेन मंगवाई थी। मांडा थाना क्षेत्र के वासरा नरोत्तम गांव के निवासी रजनीकांत बिंद पुत्र लक्ष्मीकांत बिंद खेती किसानी करता है। 16 सितंबर को वह यमुना पुल के पिलर नंबर 18 पर शाम को लगभग 7 बजे चढ़ गया। पुलिस टीम पहुंची और पिलर पर तिरंगा झंडा लगाकर बैठे रजनीकांत को उतारने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उतरा। मंगलवार को भी पुलिस का प्रयास असफल रहा। बुधवार को वाराणसी से क्रेन बुलाकर शाम को पुलिस ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की तो वह ऊपर चढ़ गया। इस बीच पुल पर अच्छी खासी भीड़ लग गई। पुलिस को भीड़ हटाने के लिए लाठी भी पटकनी पड़ी। मौके पर नैनी कीटगंज पुलिस के साथ सीओ अर्चना सचरान भी दल बल के साथ पहुंच गए। जब रजनीकांत क्रेन की पहुंच से ऊपर चला गया तो फायर ब्रिगेड की सीढ़ी लगाकर नीचे उतारा गया। उसके बाद उसे नैनी कोतवाली भेज दिया गया। बुधवार को उसकी पत्नी कुसुम भी अपने 1.5 साल के बेटे को लेकर पहुंच गई। कुसुम ने बताया कि मानसिक रूप से कमजोर है। SI अरविंद कुमार ने बताया कि रजनीकांत के शांति भंग के चलान किया जाएगा। पूछताछ में उसने बताया कि चंद्रयान 2 सफलता के लिए दुआ मांगने को फूल चढ़ा था। उसने दुआ मांगी थी इसरो विक्रम लैंडर संपर्क हो जाएगा। गौरतलब है इससे पहले भी रजनीकांत ने पुल पर 3 बार चढ़ चुका है। पुलिस भी उसे मानसिक रूप से विचल मान रही है। 42 मीटर हाइड्रोलिक क्रेन मंगवानी पड़ी बनारस से। रजनीकांत को उतारने के लिए प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। जब वो किसी सूरत में नीचे नहीं उतरा तो वाराणसी से 42 मीटर वाली विशेष हाइड्रोलिक क्रेन मंगाई गई। ट्रेन को एरियल लैंडर प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। अभी चंद्रयान विक्रम लैंडर की बात कर रहा है कि विक्रम लैंडर जब तक जो है वहाँ पर सक्रिय नहीं हो जाएगा, उसका सिग्नल नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं नहीं घूमूंगा। बाकी इलाहाबाद में हमारे पास हाइड्रोजन प्लेटफॉर्म नहीं थी तो ये बनारस से हमने भी मंगवाई कि बनारस बनारस से गाड़ी मिल गई है। अभी हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहा है। समझा कि आज आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपकी कोशिश है हमारी कि आज हम इसको उतार लेंगे। खबर जगत प्रयागराज से एलएन सिंह की रिपोर्ट।